देख रहे हैं नव भारत टुडे और दिन भर की पांच बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ दिशा तोमर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम दिल्ली लाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों और तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत कई जानीमानी शख्सियतों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर शहीदों के शवों की परिक्रमा भी की। तिरंगे को बुलंद रखना इनका कर्म था, तिरंगे की आन बान और शान इनका धर्म था, मां भारती पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देना इनका कर्तव्य। लेकिन जब ये रणबांकुरे तिरंगे में लिपटे वापस लौटे तो देश स्तब्ध था। कल देर शाम शहीदों का शव दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तमाम सियासी नेताओं और सेना के अधिकारियों ने उनकी शहादत को सलाम किया। दिल्ली में शहीदों को सलामी देने के बाद पार्थिव शरीर शहीदों के घरों को रवाना किए गए। भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को शायद किसी की नजर लग गई। जी हां, ट्रेन 18 में शनिवार सुबह गड़बड़ी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और रविवार से ही आम लोगों के लिए शुरू होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही ट्रेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 के लॉन्च होने के एक दिन बाद ही खराबी आ गई है। ये ट्रेन वाराणसी से लौट रही थी, तभी दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर इसमें गड़बड़ी देखी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके आखिर के कुछ डब्बों के ब्रेक जाम हो गए और अंतिम चार बोगियों में बिजली गुल हो गई। आपको बता दें कि शुक्रवार को पीएम मोदी ने देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। ये ट्रेन अभी ट्रायल रन पर है और रविवार को पहली बार इस ट्रेन में सवार होकर यात्री दिल्ली से वाराणसी तक का सफर करेंगे। दिल्ली के करोलबाग स्थित अर्पित होटल में लगी आग के बाद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसके पीछे बीजेपी कनेक्शन की तरफ इशारा किया। सत्येंद्र जैन ने अर्पित होटल के मालिक की अभी तक गिरफ्तारी ना होने पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए सत्येंद्र जैन ने कहा कि जिस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो कि हैरानी की बात है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि होटल मालिक का संबंध किसी राजनीतिक दल से है। जैन ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि शायद वह बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, इसी वजह से अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अभी मजिस्ट्रेट जांच चल रही है, इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। वहीं सत्येंद्र जैन के इस बयान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी हैरानी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर इसे चौंकाने वाला बताया। गुरुवार को हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद शुक्रवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनएसए अर्जित डोवाला से फोन पर बातचीत। बोल्टन ने इस दौरान डोवल से साफ कर दिया कि आत्मरक्षा के लिए भारत जो भी फैसला लेगा या कदम उठाएगा, अमेरिका उसका समर्थन करता है। पुलवामा में आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत पर अमेरिका ने भरोसा दिया है कि वह भारत के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भारत में अपने समकक्ष अजीत डोभाल से कहा कि भारत पुलवामा अटैक पर एक्शन ले, जिसमें अमेरिका उसका पूरा सहयोग करेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जॉन बोल्टन ने अजीत डोभाल को फोन करके पुलवामा अटैक पर दुख जताया है और आश्वासन दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा है। जॉन बोल्टन ने बताया कि पुलवामा अटैक के बाद वे दो बार अजीत डोभाल को फोन कर चुके हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि अगर भारत आत्मरक्षा में कोई भी कदम उठाता है तो ये उसका हक है। आपको बता दें कि इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने बयान में कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान से यह अपील कर रहा है कि वो अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियां चलाने वाले ऐसे सभी आतंकवादी संगठनों को समर्थन और पनाह देना तुरंत बंद करे, जिनका एकमात्र लक्ष्य क्षेत्र में अव्यवस्था, हिंसा और आतंक फैलाना है।
उन्होंने कहा कि यह हमला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और भारत के सहयोग एवं साझेदारी को बढ़ाने के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाता है। सैंडर्स ने कहा कि अमेरिका पुलवामा हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है। दूसरी ओर पुलवामा में हुए आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद पूरे देश में शोक की लहर और जबरदस्त गुस्सा है। देश का हर नागरिक इस दिल दहला देने वाली घटना की वजह से गुस्से में है। लेकिन इसी बीच पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने आतंकी हमले को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके ऊपर अब विवाद खड़ा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में घातक आतंकवादी हमले के बाद देश भर से लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब से लेकर टीवी स्टार्स ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने पुलवामा हमले पर अपनी राय दी, जिसके बाद वे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। सिद्धू के बयान पर देशवासियों का गुस्सा फूट रहा है और लोग उन्हें कपिल शर्मा के शो से निकालने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल सिद्धू ने इस घटना पर बयान देते हुए कहा था कि इस हमले का दोष पूरे देश पर नहीं मढ़ सकते हैं, पूरे देश या किसी एक को इसका दोष देना ठीक नहीं है। लेकिन सिद्धू की कही ये बातें सोशल मीडिया के लोगों को रास नहीं आई। अब उनके फैंस कपिल से कह रहे हैं कि वह शो से सिद्धू को बाहर करे या फिर उनके शो को बॉयकॉट करे। आपको बता दें कि इससे पहले सिद्धू उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब वे अपने दोस्त और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे। नमस्कार। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।